भारतीय स्वातंत्र संग्राम के इतिहास में बलिदान की कई कहानियां हैं, लेकिन जिससे ब्रिटिश शासन का क्रूर चेहरा देशवासियों व दुनिया के सामने आया हो वह रक्त रंजित अध्याय है जलियांवाला बाग का। इस कुर्बानी की गवाही दे रही है यह जगह जहां पर आज एक सार्वजनिक बाग है, जलियांवाला बाग मेमोरियल। इस जगह पर दिए गए बलिदान की भावना को पुनर्जीवित करना और इस मेमोरियल को एक गौरवान्वित स्थान में रूपांतरित करना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। इस मेमोरियल के ऐतिहासिक व राष्ट्रीय महत्व बढ़ाने के हेतु इसकी कंपाउंड वॉल निकाल दी जाएगी और साइनेजिस को नया रूप दिया जाएगा। एंट्रेंस प्लाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा जहां पर भारतीय स्वातंत्र संग्राम व बलिदान की अनगिनत कहानियों को प्रदर्शित किया जाएगा। आजादी की जंग में पंजाब की भूमिका का वर्णन भी यहां किया जाएगा। फर्स्ट फ्लोर पर थिएटर में प्रदर्शित होने वाली 3D प्रोजेक्शन मैपिंग फिल्म से इस मेमोरियल के इतिहास का निरूपण करने वाला अनन्य ऑडियो विजुअल का जीवंत अनुभव होगा। इस मेमोरियल में स्थित जलियांवाला बाग घटना केंद्रित अतिरिक्त अन्य गैलरियों की झांकी भी इस फिल्म में होगी। ब्रिटिश सैनिक जिस रास्ते से यहां पर आए थे उस हेरिटेज गली को म्यूरल व ऑडियो नैरेटिव्स के माध्यम से नवनिर्मित किया जाएगा जिससे उस दिन का माहौल बनाया जा सके। यहां पर वाटर ट्रॉफ यानी पानी का फव्वारा भी बनाया जाएगा जो कि इस स्थान की परिभाषा बदल देने वाली उस घटना का शामक स्मरण करवाएगा। यहां से आगे बढ़ते हुए बलिदान व शांति के प्रतीक समान सेंट्रल मॉन्यूमेंट की मरम्मत की जाएगी, फाउंटेन्स और ब्रिज को बदला जाएगा, लिली पॉन्ड के जरिए वाटर बॉडी की सुंदरता में अभिवृद्धि होगी जिससे मेमोरियल की शांति और पवित्रता नवपल्लवित हो जाएगी। परगोला व उससे जुड़े हॉल्स का रिपेयर और रिस्टोरेशन कार्य किया जाएगा। बलिदान के उस दिन व उन शहीदों की कहानी का हूबहू चित्रण भी यहाँ की गैलरियों में होगा। वर्तमान जगह पर आप जैसा देख रहे हैं वैसा एक शीतल परिदृश्य बनाया जाएगा। इस मेमोरियल के एंट्री व एग्जिट पॉइंट में बदलाव लाकर यहाँ के पाथ ऑफ मूवमेंट में भी सुधार किया जाएगा। दीवारों पर टाइपोग्राफी का उपयोग, विभिन्न तरह के पत्थर, मलबा, कोबलस्टोन पाथवे और कॉर्टन स्टील, न्यूनतम व परिवेशी प्रकाश आयोजन एवं रिलीफ म्यूरल्स का न्यूनतम उपयोग इस परिदृश्य की अभिव्यक्ति में सहायक बनेंगे। पेड़ पौधे स्थानिक होंगे जो कि इस स्थान की भावना का अभिवादन करेंगे। प्लांटिंग बेड से इस स्थल की सौम्यता में बढ़ोतरी होगी और नए परिदृश्य की सुंदरता बढ़ेगी। इसके उपरांत इस बाग के कार्यात्मक पहलू में भी सहायक बनेंगे। शहीदी कुएं के दर्शन बेहतर रूप से हो सके इसलिए इसको नया रूप दिया जाएगा। जीर्ण हुई इस हेरिटेज रचना का नवनिर्माण करके यहाँ पर उस घटना के परिणाम का ऐतिहासिक विवरण प्रदर्शित किया जाएगा। दीवारों में लगी गोलियों के निशान को हाईलाइट करके उन्हें बेहतर तरीके से प्रिजर्व किया जाएगा। शहीद उद्धम सिंह की शौर्य गाथा को रिलीफ म्यूरल्स समेत आउटडोर इंस्टॉलेशन के क्लस्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। प्रचलित हेरिटेज संरचना को रिस्टोर किया जाएगा और गोलियों के निशान को भी हाईलाइट करके रिस्टोर किया जाएगा। उस भीषण हत्याकांड के आघातजनक असर को साल्वेशन ग्राउंड में वॉल टेक्सचरिंग व एनग्रेविंग्स के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। ऑडियो नैरेटिव्स द्वारा मुलाकाती को पूरे कैंपस में अच्छी तरह से ऐतिहासिक जानकारी मिलती रहेगी। शाम को होने वाले लाइट एंड साउंड शो में प्रदर्शित कुर्बानी की कथा के माध्यम से दर्शकों के दिलों में देश प्रेम का संचार होगा। जलियांवाला बाग मेमोरियल से सम्मान, गौरव और पवित्रता का पुनर्निर्माण होगा।